हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। 15 सितंबर से सफलता बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी, ये क्या है? ये एक फीचर है जो आप लोगों के लिए स्पेशली है। देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्या करेंगे, आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ डाउट एंड सॉल्यूशन का आपको ऑप्शन दिखेगा। किसका? डाउट एंड सॉल्यूशन। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको आस्क अ डाउट, क्या आस्क अ डाउट पे जाएंगे। वहाँ आपको आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसकी पहले पिक्चर क्लिक करेंगे और उसे क्रॉप करके वहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। और अपलोड करने के कुछ ही घंटों के बाद आपके साथ वीडियो सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा और जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। और एक लर्नर चाहे तो कितनी बार भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये फीचर स्पेशली आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इसका हेल्प जरूर लेना चाहिए। ओके, सितंबर ऑफर्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप 2 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, 6 मंथ का लेते हैं तो 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और 1 ईयर का अगर एसएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप तो 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। एसएससी बैंक कॉम्बो है ये। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, ठीक है। ये कॉम्बो पैक के लिए है। अगर आप प्लान कर रहे हैं सितंबर में सब्सक्रिप्शन लेने का तो एक बार आप ये ऑफर्स देख लीजिएगा। अन अकेडमी एसएससी मेगा कॉम्बैट, ये टेस्ट 19 सितंबर को 12 PM पे है, यानी कल है ये, 12 बजे है। तो आप लोगों को ये टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस 50 मिनट का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इसे देने के लिए आप मेरा इनवाइट कोड SAA10, आप ये कोड यूज़ करके ये टेस्ट दे सकते हैं, फाइन। और आप देख सकते हैं कि अप टू 100% की स्कॉलरशिप है अगर आप 3000 रैंक तक लाते हैं तो। ओके, तो ये टेस्ट लाइव होता है, बिल्कुल फ्री है ये, कोई चार्जेस नहीं है, तो हर किसी को ये टेस्ट देना चाहिए, फाइन। ये मेरा कोड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्सक्रिप्शन लेने में तो आप मेरा कोड SAA10 आप ये कोड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। चलिए रामसर साइट्स, हम कुछ रामसर साइट्स, कुछ स्टेट्स के रामसर साइट्स देखेंगे जिन्हें हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अदर स्टेट्स के रामसर साइट्स के बारे में देखेंगे, फाइन। ये साइट व्यू है, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की बात करें अगर हम, तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड और पोंग बांध झील। कौन है? पोंग बांध झील। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, हिम पर चंद्र ने रेणुका से पंगा लिया। हिम यानी हिमाचल, इसकी बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। ओके, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिम पर चंद्र यानी चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका यानी रेणुका वेटलैंड से पंगा, पंगा से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? पोंग बांध झील, यानी चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड और पोंग बांध झील। तो हिम पर चंद्र ने रेणुका से पंगा लिया, हिमाचल प्रदेश। चंद्र में कितने हैं? चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध झील। कितना इजी है ना याद करना। देखिए, हिम पर चंद्र ने रेणुका से पंगा लिया, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट हम देखेंगे गुजरात, गुजरात की हम बात कर रहे हैं, तो ये ट्रिक है उसके लिए। रात में माधव थैला लेकर नाल सरोवर गया। रात को कितने हैं गुजरात में? वाधवाना, ठोल झील वन्य जीव अभ्यारण और नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण, ये जो 2 हैं, कौन से? वाधवाना और थोल झील, ये अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं। पहले रामसर साइट्स इंडिया में कितनी थी? 42 थी। रिसेंट में कितनी और ऐड हुई हैं? 4 ऐड हुई हैं। अब कितनी हो गई हैं? 46 हो गई हैं। और जो 4 ऐड हुई हैं उसमें 2 गुजरात से हैं और 2 हरियाणा से हैं। तो जो 2 गुजरात वाली ऐड हुई हैं वो 2 रिसेंट वाली कौन सी हैं? एक है वाधवाना और एक है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हम कैसे याद करेंगे? गुजरात, इसे हम गुजरात, रात को गुजरात से रिलेट करेंगे। माधव को वाधवन, वाधवाना, इससे वाधवाना से, और थैला को थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, और नाल सरोवर को नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। क्या बोलेंगे? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो गुजरात, गुजरात में कौन कौन से हैं? वाधवाना वेटलैंड, थैला से थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और नाल सरोवर यानी नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो हम इसे याद कर सकते हैं, रात में माधव थैला लेकर नाल सरोवर गया, फाइन।
ये गुजरात के लिए है। उत्तर प्रदेश में है कितने? आठ। कितने हैं रामसर साइट्स? आठ हैं। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य और सैंडी पक्षी अभयारण्य। कैसे याद करेंगे हम? ट्रिक देखेंगे। उत्तर में ऊपर नवाबों के सामने, कहाँ पे? उत्तर में ऊपर नवाबों के सामने पार्वती ने सुर लगाए। किसने? पार्वती ने सुर लगाए, जिससे क्या हुआ? समस्त सांड सरस नाव से आ गए। समस्त सांड सरस नाव से आ गए। कैसे? उत्तर में, यानी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। किसकी? उत्तर प्रदेश की। ऊपर नवाबों के सामने, ऊपर से क्या होगा? ऊपरी गंगा नदी। क्या होगा? ऊपरी गंगा नदी। नवाबों यानी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। क्या होगा? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबों के सामने, सामने से क्या होगा? समन पक्षी अभयारण्य। क्या होगा? समन पक्षी अभयारण्य। पार्वती, पार्वती यानी पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ने सुर लगाए, यानी सुर सरोवर। क्या होगा? सुर सरोवर, सुर सरोवर। क्या होगा? पार्वती ने सुर लगाए, उससे क्या हुआ? जिससे समस्त, समस्त यानी समसपुर। समस्त से हम क्या देख सकते हैं, रिलेट करिए, समसपुर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समसपुर सांड। क्या होगा? सांड, सांड यानी सैंडी, सैंडी पक्षी अभयारण्य। क्या होगा? सैंडी पक्षी अभयारण्य। सरस नाव से आ गए, समस्त सांड सरस नाव से आ गए। सरस नाव से हम क्या रिलेट्स कर सकते हैं? सरसई नावर, सरसई नाव यानी नावर, सरसई नावर झील। तो हम कैसे याद करेंगे? उत्तर में ऊपर नवाबों के सामने पार्वती ने सुर लगाए, जिससे समस्त सांड सरस नाव से आ गए। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत मजेदार ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। फाइन, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर लेक, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सैंडी पक्षी अभयारण्य और सरस नावर झील। ओके, ये उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स हैं। कितनी है टोटल? आठ। तो ये कुछ राज्यों के ट्रिक थे जिन्हें हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अदर स्टेट्स के देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अपनी क्लास की टाइमिंग एक बार आपको बता देती हूँ। मेरी डेली क्लासेस 8 AM पे होती हैं। कहाँ होती हैं? SSC गुरु चैनल पे होती हैं। यूट्यूब पे ये चैनल है SSC गुरु, यहाँ 8 बजे क्लासेस होती हैं। देन आपकी क्लासेस 9 PM पे होती हैं। कहाँ पे होती हैं? ये अनअकैडमी ऐप पे होती हैं। ये स्पेशल क्लासेस होती हैं, बिल्कुल फ्री हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा पहला लिंक दिया है, वहाँ से आप मुझे ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।